अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप बखूबी जानते होंगे कि पहला चैप्टर द क्वेश्चन ऑफ द हेड, फिफ्थ सेमेस्टर जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वो हमने कंप्लीट किया है दो पार्ट्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, अच्छे से वो समझ लिए होंगे। तो अब समय आ चुका है दूसरा जो लेसन है वो स्टार्ट करने का, वो पोइट्री में से है। ईच इंस्टेंट योर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, ये हबा खातून की पोइट्री है। और इसको स्टार्ट करने से पहले, पोएट्री को समझने से पहले, सबसे पहले हम हबा खातून की थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसको हम समझते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हबा खातून के ऊपर नोट लिखो, तो आप आसानी से कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो और लिख सकते हो। तो बहरहाल उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने हबा खातून के ऊपर चंद लाइन लिखी हुई है, वो आप एग्जाम टाइम में पढ़ सकते हो। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा आपको, आपके साथ अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं हाल ही में उस लेवल से गुजर कर आया हूं जिस लेवल से आप जा रहे हैं अभी। तो क्या होता है कि टू द पॉइंट, जितना आप कम लिखोगे और टू द पॉइंट लिखोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे और ज्यादा लिखने के बाद आप एक्सपेक्ट जो करते हो वो आपको मिलता नहीं, होता क्या है उसका अपोजिट हो जाता है, आप ज्यादा लिखते हो और कम मार्क्स मिलते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि और ऊपर से ये इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें जितना ज्यादा आप लिखते हो तो उतनी ज्यादा गलतियां करते हो। अब गलतियां कैसे करते हो? कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये होगा कि सर हम तो अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, हम तो इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमें तो इक्वल मार्क्स मिलते नहीं है। बाद में होता क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अपने कलीग्स, इवन के अपने क्लासमेट्स मैंने देखे हैं जो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा होल्ड है, लेकिन लिखने में और बोलने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। लिखने में वो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसी को व्हाट्सएप के ऊपर या किसी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया, तो हम शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम पूरे वर्ड को नहीं लिखते हैं, चंद अल्फाबेट्स यूज करके हम उस वर्ड को बनाते हैं। तो वैसे ही वो भी इंग्लिश में लिख रहे थे, ठीक है, तो इक्वल मार्क्स कहां से मिलेंगे, नहीं मिलने वाले हैं। तो जितना आप कम लिखोगे और टू द पॉइंट लिखोगे, लॉजिकल आंसर लिखोगे तो उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सारी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अबाउट द ऑथर छोड़ दोगे, अबाउट द टेक्स्ट छोड़ दोगे और डायरेक्ट आप पोएम पे जाओगे तो पोएम का आपको पता नहीं चलेगा कि ये हबा खातून कौन थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इसने ये पोएम गाई है या क्यों इसने ये संगीत गाए हैं। तो उस सब को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं और उसके बाद अबाउट द टेक्स्ट और उसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अबाउट द टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं, सॉरी अबाउट द ऑथर को पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अबाउट द ऑथर और उसमें पोएम को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले हियर वी गो। तो चलिए जी, सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट अबाउट द टेक्स्ट और उसके बाद हम पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे। हबा खातून 1554 to 1609 इज एन एक्लेम्ड 16th सेंचुरी कश्मीरी पोएट हुज वर्क फाइंड्स प्राइड अ प्लेस इन द कलेक्टिव कश्मीरी मेमोरी। हबा खातून जो कि 1554 में पैदा हुई थी और 1609 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसी, वो एक मशहूर 16वीं सदी की मशहूर कश्मीरी शायरा थी और जिसकी पोइट्री या जिसका वर्क ये एक प्राइड ऑफ प्लेस लेती है पूरी कश्मीरी मेमोरी में, मींस पूरी कश्मीरी लिटरेचर में। शी वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ विलेज इन चंधारा नियर पंपोर, वो एक छोटे से गाँव चंधारा में पैदा हुई थी, पंपोर के नज़दीक जो एक गाँव पड़ता है। हर रियल नेम जून, अ कॉमन कश्मीरी नेम मीन्स मून, एंड शी वॉज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ हर ग्रेट ब्यूटी, और उसका रियल नेम जून था। कश्मीरी लफ्स ये जून जिसका मतलब चांद होता है, ये इसलिए इसे नाम पड़ा था बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए उसे चांद नाम रखा गया था, जून नाम रखा गया था। वैरीड अकाउंट्स ऑफ हर लाइफ एग्जिस्ट मेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ हर बायोग्राफी डिस्प्यूटेबल, और ललदत की लाइफ के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वैरीड स्टेटमेंट्स अलग अलग, जो कि एक्यूरेट नहीं है, हिस्टोरिकली वो एक्यूरेट नहीं है, उसकी बायोग्राफी इसलिए वो डिस्प्यूटेबल है। सम क्लेम दैट शी केम फ्रॉम नोबल लाइनेज, अदर्स मेंटेन दैट शी वाज फ्रॉम द फार फ्लंग एरिया ऑफ ग्रेज, एंड अकॉर्डिंग टू अनदर अकाउंट दैट शी वाज अ चाइनीज गर्ल सोल्ड टू अ कश्मीरी ट्रेडर बाय हर फादर। कुछ लोगों का कहना था कि उसका नोबल लाइनेज था, नोबल लाइनेज का मतलब है कि उसका एक अच्छा बड़ा परिवार था, खानदान था, कबीला था, मीन्स कि उसके एंसेसर्स थे अच्छी तरह से, और वहाँ से वो आई है। अदर्स मेंटेन दैट शी वाज फ्रॉम द फार फ्लंग एरिया ऑफ गुरेज, और कुछ लोगों का कहना है कि वो बालाई या
दूर दराज के जो इलाके हैं गुरेज के, वो वहाँ की रहने वाली थी, एंड अकॉर्डिंग टू अनदर अकाउंट दैट शी वॉज अ चाइनीज गर्ल। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एक चाइनीज गर्ल थी, चाइनीज लड़की थी, जिसको अपने वालिद ने, अपने बाप ने कश्मीरी ताजिर को बेच दिया था। येट अनदर कॉमनली एक्सेप्टेड वर्जन पासड डाउन थ्रू द जनरेशंस डिस्क्राइब्स हर एज द डॉटर ऑफ अब्दी राथर, अ वेल टू डू फार्मर फ्रॉम चंधारा। और एक अकाउंट ये भी है कि लोगों का जो कहना है, जो कि एक्सेप्टेड वर्जन है, जिस पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, माना जाता है कि ये सही है, जो पास डाउन है थ्रू द जनरेशंस, मतलब बहुत सारी नस्लों को यही बताया जाता है कि वो एक चंधारा के गरीब किसान की बेटी थी जिसका नाम अब्दी राथर था। जून वाज ट्यूटर्ड इन अरबिक एंड पर्शियन बाय अ मौलवी फ्रॉम अ नियर बाय विलेज सो दैट शी कुड रीड द होली कुरान। और जून को नज़दीकी एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता है ताकि वो वहाँ से अरबिक और फारसी सीख सके और कुरान शरीफ पढ़ सके। शी बिगेन कंपोजिंग वर्सेज इन कश्मीरी क्वाइट अर्ली इन हर चाइल्डहुड एंड सेइंग देम इन हर मेलोडियस वॉइस। और बचपन में ही उसने कश्मीरी वर्सेज लिखनी शुरू कर दी थी और उसके बाद उनको सेंग गाया भी एक खूबसूरत और मीठी मधुर आवाज़ में। हर लव एंड नॉलेज ऑफ सूफियाना म्यूजिक एनेबल्ड हर टू सेट हर ओन सॉन्ग्स टू म्यूजिक। हवा खातून का जो प्यार था या उसका जो इल्म था सूफियाना म्यूजिक का, उसने उस हवा खातून को इनेबल किया कि वो अपने सॉन्ग्स जो है म्यूजिक में सेट कर सके। ठीक है, शी गॉट मैरी टू अ पीजेंट बट द मैरिज वॉज नॉट अ हैप्पी वन एंड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। और उसकी शादी एक किसान से ही होती है, एक पीजेंट से ही होती है, लेकिन इसकी ये शादी खुशगवार साबित नहीं हुई और ज़्यादा देर तक ये नहीं रही। मनी ऑफ हर पॉपुलर सॉन्ग स्पीक ऑफ हर वोज एट हर इन लॉज होम। और बहुत सारे जो उसके सॉन्ग्स थे, गाने थे, वो उसने अपने जो इन लॉज होम था, जो ससुराल था, जो उसका जहाँ उसकी शादी हुई थी, वहाँ पे जो उसे मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, वो उन मुसीबतों को अपने उन गानों में बयान करती थी। फेट स्माइल्ड ऑन द यंग गर्ल व्हेन यूसुफ शाह चक द सन ऑफ द रीनिंग मोनार्क ऑफ कश्मीर हैपन टू हियर हर सिंगिंग वाइल शी वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स। और किस्मत चमकती है इस छोटी सी लड़की की जब यूसुफ शाह चक इसके गाने सुनता है, जब वो काम कर रहा था अपने खेतों में, फील्ड्स में, वो इसके गाने सुन के बहुत खुश होता है और इससे इस लड़की की भी किस्मत जो है वो जाग जाती है एक किस्म से। और ये बादशाह का बेटा था, रीनिंग मोनार्क ऑफ कश्मीर का ये बेटा था, मतलब जो तब हुकूमत कर रहा था मोनार्क, उसका ये बेटा था। लर्निंग अबाउट हर प्लाइट ही मैरिड हर व्हेन ही सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। जून बिकेम द क्वीन ऑफ कश्मीर एंड चेंज हर नेम टू हबा खातून। और यूसुफ शाह चक इसके पास आता है, इसे हालात पूछता है, लर्निंग अबाउट हर प्लाइट का मतलब होता है इसकी जो हालात है उनके बारे में जानता है और उससे शादी कर लेता है। जब वो सक्सीड होता है अपने थ्रोन पे, मतलब कि जब वो गद्दी पे बैठता है, जब वो बादशाह संभालता है अपने बादशाह अपने बाप के बाद, तो जून जो है वो अब क्वीन बन जाती है, रानी बन जाती है कश्मीर की, और अपना नाम जो है चेंज कर लेती है, जून से अब हबा खातून उसका नाम हो जाता है। हर हैप्पीनेस हाउएवर वाज शॉर्ट लिव्ड। कहते हैं कि उसकी ये खुशकिस्मती भी बहुत कम अरसे के लिए थी। इन 1585 द मुगल किंग अकबर इन हिज डिजायर टू एनेक्स कश्मीर टुक यूसुफ शाह प्रिजनर एंड लेटर एक्साइल्ड हिम टू बिहार फ्रॉम वेयर ही नेवर रिटर्न्ड। और 1585 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर, जिसका नाम था, वो कश्मीर को एनेक्स करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था यहाँ पे, और उसने यूसुफ शाह चक का रूल था यहाँ पे, यूसुफ शाह चक को उठाया, उसको कैदी बनाया और उसको बिहार भेज दिया, जलाए वतन एक्साइल्ड किया, यहाँ से जलाए वतन किया, बिहार भेज दिया और वहाँ पे उसको कैदी बना लिया, फिर उसको वापस यहाँ नहीं आने दिया। ग्रीफ स्ट्रिकन हबा खातून लेफ्ट द पैलेस एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ अ रिक्लूस अंटिल हर डेथ पिनिंग फॉर हर बिलाउट। और गमजदा ये हबा खातून, ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब होता है गमजदा, ठीक है, परेशान, जिसका दिल टूट के चूर चूर हो गया हो, इसने अपना ये महल पैलेस छोड़ दिया और मरते दम तक अपने महबूब के लिए बेबसी की जिंदगी इसने बसर की। हर टॉम्ब इज एट पंथा चौक अथवाजन ऑन द जम्मू श्रीनगर हाईवे। और जम्मू श्रीनगर हाईवे अथवाजन में पंथा चौक पे इसकी कब्र वाकया है। A few narratives claim that Akbar leased Yusuf Shah and allotted him a jagir in Bihar
और कुछ रिवायतों का ये दावा है कि अकबर बादशाह ने यूसुफ शाह को फिर रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था और जागीर अलॉट की थी बिहार के अंदर ही। द कैप्टिव किंग कॉल्ड हिज क्वीन देयर टू लिव विद हिम एंड आफ्टर देयर डेथ दे वर बरीड देयर। और उसके बाद जो असीर बादशाह था उसने अपनी मलिका को, अपनी रानी को वहीं पर बुला लिया उसके साथ रहने के लिए और मरते दम तक वो वहीं रहे और फिर उनको वहीं पर दफन भी किया गया। हबा खातून्स पोइट्री हैज़ बीन रिट्राइव्ड फ्राम एन औरल रिपोजिट्री बाई वेरियस स्कॉलर्स एंड सो दियर इज डिसएग्रीमेंट ओवर सम पोइम्स एट्रीब्यूटेड टू हर। देखिए, हबा खातून की जो शायरी है, जो इसके सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने, मुख्तलिफ उलमा ने ज़बानी ज़खीरे से हासिल किए हैं, मतलब सुन सुन कर वो याद किए हैं, तो इसलिए इससे मनसूब कुछ अशार जो हैं उन पर इख्तलाफात चल रही है, इख्तलाफात पाया जाता है, डिसएग्रीमेंट है। Transmitted orally from one generation to the next, it is likely that her songs have undergone modifications and reinterpretations. और जैसे कि ये orally transmit हुए थे एक generation से दूसरी generation में, मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये कहा जाता है कि मे बी इनमें कोई modification आई हो, reinterpretation, दोबारा से तशरीह की गई हो या अलग से तशरीह। मैं पिछली वीडियो में एक बार ये मैंने बताया था आपको, शायद पिछले जो 2019 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें, कि पोइट्री में क्या होता है एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है कि पॉइंट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे जो तशरी करने वाले होते हैं, इंटरप्रिटेशन करने वाले होते हैं, खुलासा करने वाले, वो अपनी तरह से जो उन्हें मुनासिब लगता है वो ये बताते हैं कि इस शायर का ये कहना था। ठीक है, इसी तरह ये भी माना जाता है कि हबा खातून की पोइट्री जो है वो मॉडिफिकेशन हुई होंगी उसमें या रीइंटरप्रिटेशन हुई होगी। हाउएवर देयर इज अ कॉन्सेंसस ओवर द फैक्ट दैट शी कंपोज्ड अ गुड नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन कश्मीरी। फिर भी इस हकीकत पे ये इतफाक़ के राय पाया जाता है कि कश्मीरी ज़ुबान में हबा खातून ने बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स लिखे हैं, बहुत अच्छे शार लिखे हुए हैं। कॉल्ड द नाइटिंगल ऑफ कश्मीर शी सैंग ऑफ लव इन हर लिरिक्स एंड और वटसन्स। द वटसन इज़ अ पोइट्रिक फॉर्म यूनिक टू कश्मीर एंड इज़ बिलीव टू हैव इट्स ओरिजिन इन फोक सॉन्ग्स। और हबा खातून को नाइटिंगल ऑफ कश्मीर कहा जाता था, यानी कि कश्मीर की बुलबुल कहा जाता था, और उसने मोहब्बत के गीत गाए हैं और उनको वटसन्स भी कहा जाता था। वटसन एक पोइटिक फॉर्म है जो कि खासकर कश्मीरी शायर्स से रिलेटेड है एंड इज़ बिलीव टू हैव इट्स ओरिजिन इन फोक सॉन्ग्स। और कहा जाता है कि ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, फोक सॉन्ग्स जो कि कश्मीरी रिवाजी गीत गाए जाते थे उनसे। हबा खातून इज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ द लव वटसन आर लोल वटसन Which speaks of earthly or secular love। और हबा खातून लव वटसन या लोल वटसन की पहली कश्मीरी शायरा थी जो गीत गाती थी और इसके गीतों में दुनियावी मोहब्बत या सेकुलर मोहब्बत का इजहार किया जाता था। सेकुलर मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसमें ज़ात पात या रिलीजन को देखकर मोहब्बत नहीं होती है, तो अक्सर कहते हैं ना द लव इज़ ब्लाइंड। हाँ, यहाँ पे हबा खातून यही अपने शायरों में भी बताती है कि द लव इज़ ब्लाइंड और वो सेकुलर लव को इजहार करती है अपने गानों के अंदर। द टर्म लोल encapsulates both love and longing emotions that define Haba Khatun's poems as she often speaks of separation from her beloved। और ये जो टर्म लोल है ये encapsulate करती है, समेटती है सारी चीज़ों को, मोहब्बत को, डिज़ायर, ख्वाहिश को, इमोशन को, जज्बातों को। encapsulate का मतलब होता है समेटना, ठीक है। और हबा खातून के जो शार हैं उसने वो अपने महबूब की जुदाई में वो सारे गीत गाए हैं, जो सेपरेट हुई थी अपने महबूब से, अपने चाहने वाले से, जो मैंने आपको बताया यूसुफ शाह चेक जिसके साथ ये मोहब्बत करती थी और उसको जलाया वतन कर दिया गया और उसकी जुदाई में इसने ये शार गाए थे। हबा खातून इनहेरिटेड अ पोइटिक ट्रेडिशन वायर वोमेन पोइट्स लेड बाय ललदैद रोट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिज्म बट शी आल्सो डिवेटेड फ्रॉम दिस पोइटिक ट्रेडिशन। और हबा खातून को एक शायराना रिवायत जो है वो विरासत में मिली जहाँ ललदैद की क़्यादत में फिर बाकी खवातीन शायरों ने रूहानियत और तसव्वुफ़ के बारे में लिखना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि वो इस शायराना रिवायत से भी फिर हट गई। हर वर्सेज आर सरप्राइजिंगली बोल्ड टॉकिंग ऑफ अर्थली लव एंड डिज़ायर। और हबा खातून की जो वर्सेज हैं, जो शार हैं, वो हैरत अंगेज़ हैं, परेशान कर देने वाली हैं, सोचो फिक्र में डाल देने वाली हैं, और वो जो भी कहती है बोल्डली कहती है, और वो ज़्यादातर ज़मीनी मोहब्बत के बारे में अपने और ख्वाहिशात के बारे में अपने शारों को तरजीह देती है। She expanded the contours of the Watson and used the poetic form to articulate a woman's lived reality, the banal routine of everyday life and her personal suffering. और हबा खातून ने वटसन की शक्ल को बढ़ाया और शायराना शक्ल को औरत की जिंदा हकीकत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मामूली मालूमात या उसके जो ज़ाती मसाइब थे उनको बयान अपने शारों में किया है।
and is evident. Her poetry is deeply autobiographical, allowing literary critics to recreate her life from her verses. It is also rooted in the local landscape of Kashmir, mountains, streams, saffron flowers, and chinar trees, and recreates the paradisical quality of Kashmir. और जैसा कि ये जाहिर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसकी वो जो पोइट्री थी वो ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब वो अपनी ज़िंदगी को बयान करती है अपने शारों में। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी जो शायरी है वो गहरी खुदनोश्त है। भी नकादों के लिहाज से देखा जाए तो उसकी जो वर्सेस हैं वो ज़िंदगी को दोबारा बनाने की इजाज़त देती हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं कश्मीर की खूबसूरती के साथ, कश्मीर के पहाड़ों, कश्मीर की नदियाँ, यहाँ के सैफ्रॉन फ्लावर्स, चिनार ट्रीज़, इन सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। मीन्स कि उन्होंने इन सब की खूबसूरती को भी बयान किया हुआ है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ज़्यादातर अर्ली लव को ज़्यादातर बयान करती है अपने शारों के अंदर। एंड रिक्रिएट इज़ द पैराडाइजिकल क्वालिटी ऑफ कश्मीर, और जो जन्नती क्वालिटी है, हम कह सकते हैं पैराडाइजिकल क्वालिटी मीन्स मतलब जो खूबसूरती है यहाँ की, उसको ये रिक्रिएट कर रही है, एक नई रूह फूंक रही है अपने इन शारों के जरिए, अपनी बातों के जरिए या अपने संगीत के जरिए। हबा खातून कंटिन्यूज टू लिव इन पॉपुलर कल्चर थ्रू हर सॉन्ग्स विच हैव वाइड स्प्रेड अपील अक्रॉस कश्मीर। हर लाइफ एंड वर्स हैव फैसिनेटेड फिल्म मेकर्स, musicians and singers. Recently, many young singers have put her songs to contemporary music. हबा खातून अपने संगीत के जरिए, अपने गानों के जरिए मकबूल सकाफत में जिंदा रहती है, जिसकी कश्मीर भर में एक वसी पैमाने पे अपील है या दरकार है या ज़रूरत है। और इसकी ज़िंदगी और जो ये संगीत हैं, इसने फिल्म साजों को, जो मौसीकार हैं, गुलाकार हैं, उनको मशहूर किया है, उनको इम्प्रेस, और बहुत सारे जो नौजवान सिंगर हैं, यंग सिंगर हैं, उन्होंने हबा खातून के गानों को अपने कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक जो है, अपनी म्यूसिकी जो है उसमें ऐड किया है, रिमिक्स बना के आप उन सॉन्ग्स को प्रोड्यूस किया है। तो ये सारा अबाउट द ऑथर था, हबा खातून के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि हबा खातून की हालात ज़िंदगी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं कि टेक्स्ट का क्या कहना है, और पोएम को भी हम उसी वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। तो दो पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर जो है क्लोज होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर रखा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।